In much of the Democratic Party, it's now fashionable to say that America is racist. That is a lie. America is not a racist country. This is personal for me. I am the proud daughter of Indian immigrants. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और भारतीय अमेरिकी स्टार मानी जाने वाली रिपब्लिकन नेता निक हेली के इस ताजा बयान से साफ है कि अमेरिका में अश्वेत नागरिकों का मुद्दा काफी अहम रहने वाला है। Black people are a monolithic community. It was Joe Biden who said poor kids can be just as smart as white kids. In 1994, Biden led the charge on a crime bill that put millions of black Americans behind bars. रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में बोलते हुए पार्टी के इकलौते अश्वेत सीनेटर टिम स्कॉट ने न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर निशाना साधा। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद से ही अमेरिका नस्लीय हिंसा की आग में जल रहा है। विस्कॉन्सिन में हुई ताजा घटना के बाद ये मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अश्वेत समुदाय की भावनाओं को भुनाने के लिए डेमोक्रेट्स पूरा जोर लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जमैकन मूल की कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार घोषित करना भी इसी का हिस्सा है। अब जब दोनों पार्टियां खुलकर अश्वेत हितों की बात कर रही हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि वोटर किन कसौटियों पर उनको आंकेंगे।